ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं क्रियो पैरामेट्रिक 7। इसमें आज हमने एक बिल्कुल नया टॉपिक देखना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग एनसी असेंबली। एनसी असेंबली का मतलब है कि मेरे पास एक मॉडल है जिसका मुझे प्रोग्राम बनाना है सीएनसी मशीन के लिए, वीएनसी मशीन के लिए, रफिंग का, फिनिशिंग का, कोई भी टूल पाथ हो सकता है। तो बेसिकली हमारे को ये पीस क्रिएट करना है जो सामने हमारे को दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा वही स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्रियो के अंदर हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, उसका कोड जनरेट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर हमारे को देने की ज़रूरत है, और उसके बाद एनसी फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे को सीएनसी मशीन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग एनसी असेंबली। ओके किया, तो मिलीमीटर में चाहिए या इंचों में चाहिए वो हमारी मर्जी है, तो हमने कहा जी हमारे को मिलीमीटर में चाहिए। यहाँ पे मिलीमीटर में करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने आ रही है ना। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहला चीज जो है वो हमारे को जेड की डायरेक्शन देखें कि मेरी जेड की डायरेक्शन किधर है, क्योंकि जिधर जेड होगा टूल वो उसी डायरेक्शन में से आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस मॉडल लिया अपना, इसको ओपन किया और इसको ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट से क्या होता है, जो मॉडल का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग की असेंबली का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो इसको डिफॉल्ट कर दिया। ओके अभी देखो जेड की डायरेक्शन किधर है, जेड की डायरेक्शन इधर ही है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। अदरवाइज मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक करना पड़ता, ठीक है। तो मॉडल हमारा आ गया, उसके बाद हमारे को चाहिए वर्क पीस, रॉ मटेरियल, भी मैं किस चीज में से ये मॉडल काटना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए मेरे पास कोई रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के लाएंगे ये पीस बनाने के लिए, तो वो पीस कैसा है। तो पीस हमने इसको बता दिया, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको भी चाहिए होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है ये, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्लिक करो, तो उससे फायदा ये होता है अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है साइज को, कुछ भी चेंजेस करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, मैंने ओके किया। तो ये देखो ग्रीन कलर का जो है ये मेरा रॉ मटेरियल है, जो नीचे दिख रहा है ये मैं बनाना चाहता हूँ, यानी कि ऊपर जो बाकी का खाली जगह दिख रही है ये मटेरियल मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने मॉडल भी बता दिया, जेड की डायरेक्शन भी देख ली और उसके बाद मैंने वर्क पीस भी देख लिया। अब हमारे को क्रिएट करना है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्रिएट करने से पहले हमारे को बताना है कि हमारी मशीन कौन सी यूज करने वाले हम, है ना। कंप्यूटर को क्या पता हम मिलिंग में काम करेंगे, लेथ पे काम करेंगे, वायर कट पे काम करेंगे, या 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 एक्सिस मशीन है कोई, है ना, मिल टर्म, तो किस पे काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा जी हम मिलिंग में काम करना चाहते हैं, तो ये मिलिंग मशीन के पैरामीटर आ गए सारे के सारे कि हमारे पास मिलिंग मशीन कौन सी है, 3 एक्सिस है, 4 एक्सिस है, 5 एक्सिस है, कौन सी मिलिंग मशीन है, उसका नाम क्या है, कंट्रोलर, कई कंट्रोलर होते हैं जैसे फानुक का, हाइडेनाइन का, मित्सुबिशी का, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कंट्रोलर है, तो कौन सा कंट्रोलर है वो हम यहाँ पे वैल्यू भर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसर है वो कंट्रोलर के हिसाब से ही होता है कि पोस्ट प्रोसेसर भी हमारे को उसी कंट्रोलर का चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कई चीजें हैं जैसे टूल दे सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक टूल क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास टूल नहीं है अभी, तो हम एक टूल क्रिएट कर लेते हैं। टूल क्रिएट करने के लिए हमारे पास विंडो आ गई, मिलीमीटर में क्रिएट करना है, टूल का नाम क्या होगा, अब हाई कार्बन स्टील का है या कार्बाइड का टूल है या कौन सी टूल है वो हम यहाँ पे मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, HSS कर देते हैं। नंबर ऑफ फ्लूट कितने हैं, अगर आपने एंडमिल देखा हो तो उसमें 4 फ्लूट भी होते हैं, 6 वाला भी होता है, 2 वाला भी होता है, तो हमने कहा जी हमारा 4 फ्लूट वाला है। टूल का डायमीटर कितना है, तो मैंने कहा जी मुझे रफिंग करनी है थोड़ा सा बड़ा टूल ले लेता हूँ, तो मैंने कहा जी 20 mm का टूल ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 50 का भी ले सकते हैं,
फिर हमारे को देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 12 का ले रहा हूँ, अदरवाइज बड़े टूल से ही कटिंग करेंगे हम। ठीक है, तो ये वैल्यू बाकी की भी देनी चाहिए, पर अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे बाकी की वैल्यू नहीं दे रहा, इसको अप्लाई कर दो। जितनी ज़्यादा अच्छे से वैल्यू देंगे आउटपुट उतनी अच्छी आएगी, उतना डर कम होगा एक्सीडेंट करने का, उतना डर कम होगा हमारा वर्क पीस खराब होने का, जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, पर जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है, तो दोनों को कंबाइन करके देखना है कि बेस्ट क्या हो सकता है ना। तो टूल हमने दे दिया, टूल नंबर जरूर देना, अगर दो तीन टूल चार टूल चला रहे हैं हम एक साथ, तो कौन से नंबर पे कौन सा टूल है टूल नंबर में देंगे, इसको कर देते हैं ओके। टूल हमने डिफाइन कर दिया, आउटपुट हमने डिफाइन कर दी, पैरामीटर में हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड बता सकते हैं भाई हमारी मशीन कितनी स्पिंडल स्पीड से घूमेगी। तो मैंने कहा ये मेरे को 4500 में चलाना है, रफिंग का टूल बाद है थोड़ा सा आराम से चलाएंगे। ठीक है, कितने हॉर्स पावर की मशीन है, रैपिड में जब टूल मशीन चलेगी तब कितने होनी चाहिए, रैपिड का मतलब होता है हवा में जब टूल चल रहा है, एक एक जगह से दूसरी जगह में हवा में जाना है टूल, जैसे यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ से कटिंग होके इधर जाना, तो हवा में जब टूल जाएगा तो कितनी फीड स्पीड से जाएगा है ना, तो वो भी हम दे सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो यह देखो यहाँ पे मशीन डिफाइन हो गई। अब मशीन के ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, कभी भी चेंजेस कोई भी चेंज करना है ओके कर दो। उसके बाद हमारे को चाहिए ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब है कि मिलिंग मशीन तो मेरे पास है, ठीक है मिलिंग मशीन तो है, पर ये OP010 इसका नाम है, Operation 010 ऐसे नाम आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट यही नाम आता है इसका। ठीक है, OP010 इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है हमारे को। और ये हमारे को OP010 में क्या है, मिलिंग मशीन तो हमने दे दी, कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा, तो हमने कहा जी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है कि मेरी जीरो कहाँ पे है। अब मेरे पास सपोज करो मशीन के ऊपर एक टेबल है, ठीक है, या तुम्हारे सामने भी अभी एक टेबल पड़ी हो, तो माउस कहाँ पड़ा है, टेबल के किस कॉर्नर में पड़ा है, लेफ्ट में है, राइट में है, साइड में है, सेंटर में है, कहाँ है, वो कैसे पता लगेगा, जब उस टेबल का कोई एक जीरो पॉइंट होगा, तो उस जीरो पॉइंट से पता लगेगा कि मेरा माउस कितनी दूर पड़ा है, लेफ्ट में एक्स में कितनी दूर पड़ा है, वाई में कितनी दूर पड़ा है। ठीक है, तो क्लियरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि मुझे कैलकुलेशन करनी कहाँ से है। और मशीन में क्या होगा, मशीन में एक टेबल होगी बड़ी सारी, उस पे कंपोनेंट क्लैंप करेंगे और मशीन का जीरो पॉइंट बताएंगे कि जीरो कहाँ है, ताकि ऑपरेटर मशीन को वहां पे टच करा के जीरो पॉइंट सेट कर सके। उसके बाद आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस प्लेन क्या होता है, क्लियरेंस प्लेन भाई टूल उठ के ऊपर कितना जाए, तो मैंने कहा जी यही वाला प्लेन तक जाए, या हम थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा कर सकते हैं ओके कर देंगे, तो ये OP010 आ गया। अब फायदा क्या होगा इसका, इसके ऊपर मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ, कौन सा ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मैं रफिंग का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारा ऑपरेशन भी डिफाइन हो चुका है, मिलिंग मशीन भी डिफाइन हो चुकी है, अब उसको बताना है कितने एरिया में कटिंग करनी है, मुझे सारे में कटिंग करनी है, किसी पर्टिकुलर चौथे हिस्से में करनी है, या किसी पर्टिकुलर जगह में, तो उसके लिए ऑप्शन होती है मिल वॉल्यूम, मिल विंडो। मिल विंडो का मतलब क्या है कि इस सरफेस पर क्लिक करेंगे तो उसने एक बाउंड्री बना ली, देखो कि मेरा टूल जो है इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही चलना चाहिए, हम यहाँ पे जाके ना हम खुद से भी स्केच बना सकते हैं। ठीक है, स्केच विंडो टाइप, तो अभी मुझे स्केच बाद में करेंगे, पहले हमने सिर्फ ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये मिल विंडो बन गई भी कितने एरिया में मुझे टूल चलाना है, क्योंकि मुझे सारे में चलाना था इसलिए मैंने ऊपर वाला फेस ले लिया, अब वो सारे में चलेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन आते हैं, क्या फेसिंग करना चाहते हैं हम, वॉल्यूम रफिंग करना चाहते हैं, रफिंग करना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन है, फिनिशिंग का भी है ना, HSM रस्ट रफिंग भी है, HSM रफिंग भी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है, तो यहाँ से मैं सिंपली एक
रफिंग का टूल पाथ लेना चाह रहा हूँ। रफिंग के लिए टूल पाथ जो हमने देना है, तो सबसे पहली चीज क्या मांगता है, टूल। टूल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर टूल। अगर नहीं डिफाइन किया होता तो यहाँ से हम न्यू टूल एडिट टूल करके नया बना सकते थे। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए हमारे को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। टूल हमने दे दिया। उसके बाद है पैरामीटर। ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग समझदार हैं उनको क्या आता है, उनको ये पैरामीटर आते हैं। अगर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग वाली लाइन में बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो कौन लोग समझदार जिनको ये स्टेप पैरामीटर पता है। जितने ज्यादा पता होंगे उतना अच्छा बंदा कहलाएगा। पैरामीटर क्या है कि मेरा मटेरियल कौन सा है, उस मटेरियल को काटने के लिए कौन सा टूल होना चाहिए, कौन से टूल की कितनी फीड दे सकता हूँ मैं, डेप्थ ऑफ कट कितना दे सकता हूँ मैं, फीड कितनी दे सकता हूँ, स्टेप ओवर कितना दे सकता हूँ। उसके लिए आपको मशीन चलती देखनी आनी चाहिए। अगर आपको असली में नहीं पता कि कौन सा मटेरियल किससे कटता है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर गलत डाल दिए, तो एक्सीडेंट होने का 110% खतरा है। अगर एक्सीडेंट होगा तो ये हो सकता है आपका सिर्फ टूल टूटे। टूल की कीमत जो होती है, जो टूल का प्राइस होता है, वो 500 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक हो सकता है। वो तो टूल टूटेगा तो वो नुकसान होगा। अब जब टूल टूटेगा मान लो, तो वो खुद अकेला थोड़ी टूटेगा, वो साथ में जिस पीस को कटिंग कर रहा है उसको भी तोड़ेगा, तो वो भी नुकसान हो सकता है। अब वो टूटने के बाद किधर को उछलेगा वो नहीं बता सकते, तो वो मशीन को भी तोड़ेगा। तो ये भी हो सकता है वो आके हमारे सीधा मुंह पे लगे, तो हमारा मुंह पे भी चोट लग सकती है। तो यानी कि पैरामीटर गलत भरने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि टूल अपने साथ साथ मशीन की स्पिंडल हिला दे और वो लाखों में चली जाए, बात हमारी मशीन सारी हिल गई, सारा कुछ खराब हो गया। तो इसलिए पैरामीटर सही होने बहुत जरूरी है, ठीक है। कटिंग फीड कितनी देनी है, इनका फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला मैं तुम्हारे को बताऊंगा कैसे होता है। कटिंग फीड क्या है, फ्री फीड क्या है। फ्री फीड है जब हवा में टूल चल रहा है, ठीक है। रीट्रैक फीड है जब टूल कटने के बाद ऊपर उठता है, इसको कम रखेंगे। मिनिमम स्टेप डेप्थ, हर बार कट लगाना है। अब इतनी मोटी जगह को काटना है तो एक बार में तो कटेगा नहीं, है ना। अब पूरा का अगर मुझे प्याज खाना है, तो इतना बड़ा प्याज मुझे पूरा तो खा नहीं सकता चक्का मार, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, स्लाइसेस बनानी पड़ेंगी। तो मिनिमम स्टेप डेप्थ, कम से कम स्लाइस कितने की, ज्यादा से ज्यादा स्लाइस कितने की। तो कम से कम मैंने कहा जी मेरी स्लाइस 0.1 की, और मैक्सिमम स्लाइस जो है मेरी 2 MM की। 1 सेकेंड होल्ड करना है। तो अब हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर देने हैं, कम से कम कट कितने का, मैक्सिमम कट कितने का। ये 2 MM बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको 0.8 से ज़्यादा हमारे को देना नहीं है असली असली ज़िंदगी में। पर हम यहाँ पे सिर्फ सुंदर लगने के लिए, ताकि हमारे को देखने में आसानी हो, इसको 2 MM दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टॉलरेंस कितनी देनी है, ये है फॉलो कट। इसको हम चेंज कर करके देखेंगे कि इन दोनों से क्या होता है। क्लिप क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो क्लिप भी कर सकते हैं, आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियरेंस डिस्टेंस कितना, 7 MM का। स्पिंडल स्पीड कितनी, कूलेंट ऑन करना है कि नहीं करना, वो सब कुछ देने के बाद यहाँ से कर दो, ओके, ठीक है। क्लियरेंस प्लेन हो गया। बाकी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हमारे को पता होने चाहिए। बट एक वीडियो में ये सब कुछ बताना भी पॉसिबल नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हमारे को बात समझ में आनी चाहिए कि हम चाह क्या रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है शो सीएल डाटा, तो यहाँ से जनरेट करेंगे, तो ये देखो नीचे ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग गया। सीएल डाटा होता है कटर लोकेशन डाटा, यानी कि टूल मेरा किधर किधर जाएगा, ये देखो ये कटर लोकेशन डाटा। इससे भी हमारे को कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है पहले दिन, पर बाद में ही हमारे काम आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे हमारे को टूल पाथ नजर आएगा, ये देखो टूल किधर किधर जा रहा है। ये और ये दोनों सेम है, बस सिर्फ देखने का फर्क है कि यहाँ पे टूल पाथ नजर आ रहा है हमारे को,
टूल कैसे चल रहा है, कहाँ पे ऊपर जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। इसको बहुत बार देखेंगे तो समझ में आने लग जाता है। अभी पहली बार ही ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारी लाइनें आ गई, पर धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे को समझ में आने लग जाता है कि यहाँ अच्छा बन रहा है कि नहीं अच्छा बन रहा है। और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, डिस्प्ले टूल पाथ इन ग्राफिक व्यू। तो ग्राफिक व्यू में यहाँ पे प्ले करके मैं देख सकता हूँ कि मेरा टूल कैसे चलेगा, स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो ये देखो हमारे को दिखा रहा है कि टूल कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होती है, मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन। तो उसको करेंगे मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन को, तो ये विंडो खुल गई हमारी। अब आपको टूल देखना है, शार्ट देखनी है, टूल पाथ देखना है, फॉलो करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्लिक करना है स्टार सिमुलेशन प्लेयर, इसको ऑन करेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ और यहाँ से प्ले करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा। अगर मुझे टूल पाथ नहीं देखना तो यहाँ से बंद कर दो। तो ये हमारे को दिखा रहा है कि कटिंग कैसे हो रही है, पहले टूल ने क्या कटिंग किया, फिर हमारे टूल ने क्या कटिंग किया। कहीं पे भी कोलिजन होगा तो वो कोलिजन दिखाएगा, गॉजेस आएंगे तो गॉजेस दिखाएगा। गॉजेस होता भी कहीं पे ऐसे जैसे किसी कॉर्नर में घुस गया कहीं टूल, है ना, तो वो सब कुछ हमारे को दिखाएगा। पहले से स्पीड तेज कर लेंगे तो तेज तेज करके दिखाएगा। मेन बात है कि हमारा ये पैटर्न क्या है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हमारा टूल, क्या वो सही है कि नहीं सही है, वो टाइम डिपेंड करेगा भी कितना टाइम लग रहा है उसको। ये एनसी की इंफॉर्मेशन है, एक्स वाई जेड की मूवमेंट दिखा रहा है हमारे को। ये हमारे को टूल दिखा रहा है कि हमारा टूल कहाँ है। ये सीक्वेंस लेट्स, क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस की वो बता रहा है। सीएल डाटा में ये कट लोकेशन डाटा दिखा रहा है। इसका कलर अगर हम चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा रफिंग का। इन सबको कर लो बंद, ठीक है। तो ये कटिंग करने के बाद ऐसा कटा, क्योंकि हमने एंड मिल यूज किया था तो फिनिशिंग नहीं आई। इस फिनिशिंग के लिए हमारे को रफिंग का एक और रेस्ट रफिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए बॉल नोज टूल चलाना पड़ेगा। तो दो तीन स्टेप और करने पड़ेंगे फिर समझ में आएगा। तो ये हमारा बन गया रफिंग का टूल पाथ। इसको कर दो बंद, ये सिर्फ सिमुलेशन था, इसको ओके कर दिया। यही सेम सिमुलेशन में यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी देख सकता हूँ, यहाँ से मटेरियल रिमूवल सिमुलेशन, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब टूल पाथ बनने के बाद, ये देखो OP010 है, टूल पाथ बनने के बाद हमारे को जो असली में चाहिए, चलने से कुछ नहीं होगा, इसकी एक फाइल चाहिए जो हम VMC मशीन पे डालेंगे और उसको मशीनिंग करेंगे और वो मशीन हमारी चलने लग जाएगी। तो वो फाइल कैसे जनरेट होती है, वो यहाँ से जनरेट होती है, सेव CL फाइल। CL फाइल कटर लोकेशन फाइल, ठीक है। किसकी कटर लोकेशन फाइल सेव करनी है, हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कौन सा है, OP010। तो OP010 सेलेक्ट कर लो। क्या सेव करना है हमारे को, फाइल सेव करनी है, CL फाइल भी सेव करनी है और MCD फाइल भी। MCD फाइल होता है भाई हमारा पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है, अब अलग अलग मशीनों का अलग अलग पोस्ट प्रोसेसर होगा। MCD फाइल डन करेंगे तो ये फाइल का पूछने लग गया OP010 कहाँ पे सेव करनी है। तो जहाँ पे हमारा मॉडल पड़ा था ये वहीं पे जा रहा है बाय डिफॉल्ट, ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे को मशीन बतानी है तो मशीन ऑन कर दो, डन। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करेगा, ये हमारे को दिखा रहा है साइकिल टाइम भाई, इस प्रोग्राम को बनने में असली में कितना टाइम लगेगा। ये 19 मिनट 38 सेकंड दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये ऐसे समझ लो 80% सही है, ठीक है। यानी कि 19 के 20 मिनट भी हो सकते हैं और 19 के 17 मिनट भी हो सकते हैं, 18, ठीक है। 100% एक्यूरेट नहीं है, पर परसेंटेज में ये 90-95% सही होगा, 100% नहीं सही होगा, 95% सही होगा, ठीक है। तो अभी .tab फाइल वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये जो फाइल होती है ये हमारी मशीन को चाहिए होती है। इसको कर दो डन।
और अपनी ये जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। OP010 ये हमारी पड़ी है, हमारा मॉडल जहाँ पे पड़ा था ये वही पड़ी है। ये यहाँ पे लिखेंगे OP, ठीक है। तो ये फाइल आ गई यहाँ पे। हमारे को चाहिए टैप फाइल, ये टैप फाइल OP010 टैप, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल है। इस फाइल के लिए हम सारा मेहनत कर रहे थे, जो भी हमने मॉडल बनाना सीखा, हमने असेंबली बनानी सीखी, हमने कोर कैविटी निकालनी सीखी, हमने शीट मेटल सीखा, हमने स्केच बनाना सीखा, सब कुछ क्यों सीख रहे हैं? ताकि ये फाइल मिल सके हमारे को आउटपुट। मतलब इन कैड कैम सॉफ्टवेयर्स का फायदा क्या है? फायदा ये है, ये फाइल बनाना चाहते थे, अदरवाइज ये मैनुअली बनाना इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। तो इस फाइल के लिए सारी मेहनत हो रही थी जो हमारे को मिल चुकी है। इस फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे, मशीन के ऊपर डालेंगे। एक हमारी वीडियो भी है, इसके बाद क्या करना है उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखो कैम सॉल्यूशन लुधियाना VMC, ओ सॉरी यूट्यूब पे लिखना था VMC प्रोग्रामिंग कैम सॉल्यूशंस लुधियाना, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये प्रोग्राम आ रहा है। यहाँ पे लिखा है हाउ टू रन ए प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पे ऐसी एक दो वीडियो और भी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे लिख सकते हैं रन पेन ड्राइव, ठीक है। अभी हमने पेन ड्राइव में प्रोग्राम डाल लिया, अब उसको कैसे चलाना है ये देखो, ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखोगे तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप है भाई। हमने जो काम कर लिया उसके बाद क्या करना है ये वीडियो देखेंगे तो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होगा, मशीन के ऊपर जाके होगा, है ना। तो ये वीडियो देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद मेरे को क्या काम करना है, ठीक है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, 784 वीडियो हो गई है हमारी, आज रात तक ये 786 हो जाएगी, तो लकी नंबर है वैसे भी। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करनी है, ठीक है। टूल बार जनरेट करना है। एक छोटी सी चीज़ है, भूल गए हम, हमारे को इसके पैरामीटर एडिट करने थे, है ना। तो इसको एडिट करेंगे जब हम, तो यहाँ पैरामीटर में अलग अलग पैटर्न है, तो इसको कांस्टेंट करना है, मेंटेन कट डायरेक्शन करना है, और करने के बाद इसको जनरेट करो और यहाँ से प्ले पाथ करके देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेगा ये और उसके बाद प्ले करके दिखाएगा। तो ये देखो पहले से आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा टूल पाथ, ठीक है। तो सारी कहानी यही है कि हम अपने टूल पाथ को कैसे सेट कर सकते हैं, बेस्ट 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 पॉसिबिलिटी उसमें क्या है, किस तरीके से हमारा टूल पाथ कम से कम टाइम में हमारे मटेरियल को जो है कटिंग कर देगा। तो इनमें से कौन सा फॉलो कंटूर करके देखो, ठीक है। तो ये फॉलो कंटूर है, इसको अलग अलग करके देखना है, टाइप 3 स्पाइरल कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्पाइरल शेप में दिख रहा है, ठीक है। तो जो जो हम टाइप 3 कर देंगे, सही वर्ड है इसका परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि कौन सा बेस्ट वे होगा जिसमें हमारा टूल जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जिएगा, मटेरियल जल्दी से जल्दी रिमूव होगा, टाइम बचेगा और फिनिशिंग अच्छी से अच्छी आएगी। तो इन सब का परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हमारे को आउटपुट चाहिए। तो अब क्योंकि हमने इसके चेंज कर दिए पैटर्न, तो हमारे को CL फाइल फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो CL फाइल दूसरे पैटर्न के लिए थी, हमने कुछ भी चेंज किया तो CL फाइल दोबारा चेंज कर, ठीक है। वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी, वो हमेशा हमारे को क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्रियो के अंदर, बहुत सारी दुनिया को क्रियो में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, तो
बहुत आसानी से हम क्रियो में भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगा कि रफिंग, री रफिंग और फिनिशिंग तीनों का टूल पाथ एक साथ अगर मुझे बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, क्या समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना नाम भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा के जाना है।